पहले गौरव को जरा जोड़ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं। निश्चित तौर पर इंफोसिस को लेकर ब्रोकरेज क्या कहते हैं उस पर तो नजर रहेगी। अंशुल बताइए, गौरव बताइए, बाकी के रिपोर्ट्स कौन से हैं और क्या कुछ कमेंट्री आई है इंफोसिस को लेकर? जी हाँ, तो आज ब्रोकरेजेस में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्फोसिस को लेके, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को मिला था और ब्रोकरेजेस की तरफ से भी एक अपटिक हमें देखने को मिल रहा है टारगेट प्राइस में। तो जैसे बर्नस्टीन हो गया, उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 2100 रुपीज़ किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पर अप साइकिल जो है वो यहाँ से चालू होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम सिटी की बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग तो बरकरार रखा है बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1850 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पर जो गाइडेंस रिविजन देखा था वो काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी के साथ साथ अच्छा ग्रोथ आगे जाके भी देखने को मिल सकता है और एक प्रेफर्ड पिक के रूप में इंफोसिस को वो रखते हैं अगर उनके आईटी पैक की अगर कंपेयर करें तो। इसी के साथ साथ बात करते हैं दालमिया भारत की, क्योंकि यहाँ पे भी हमें रिजल्ट्स देखने को मिले थे और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने अभी कहीं पे 1990 रुपीज़ का टारगेट प्राइस जो है वो बरकरार रखा है, क्योंकि इस रिजल्ट्स के टाइम पे हमने देखा कि एबिटडा में बीट देखने को मिला था। भले वॉल्यूम्स थोड़े कम थे जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कंपनी के लिए, बट आगे जाके एक अच्छा रिजल्ट जो है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिला था। अगर यूबीएस की बात करें तो उन्होंने भी टारगेट प्राइस जो है वो 2160 रुपीज़ पे बरकरार रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे अच्छा बीट हमें देखने को मिला बट आगे जाके कहीं पे कैपेसिटी एडिशन के ऊपर उनका कमेंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान बना रहेगा। अगली बात करते हैं ओएनजीसी की, कि यहाँ पे सिटी ने कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है बढ़ा के 370 रुपीज़ दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे ऑयल एंड गैस में ये जो आउटलुक है पूरा का पूरा वो सुधरते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें ओएनजीसी को काफ़ी अच्छा सुधार जो है प्राइजेस में और इसी के साथ साथ नेट रेवेन्यू में वो हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। बात करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की भी, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे इनिशिएट किया है सेल रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1575 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना ये है कि कहीं पे जो कंपनी है वो B2B सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसकी वजह से जो मार्जिन है वो कहीं पे हमें ऊपर नीचे गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, रिस्क जो है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है और अगर हम बात करें कंपटीशन की तो वो भी बढ़ रही है और इस सब हालात में कहीं पे वैल्यूएशन फेवरेबल नहीं है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए। और आखिर में बात करते हैं गो डिजिट के लिए भी, क्योंकि सिटी ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस है 425 रुपीज़ का, तो आगे जाके इन सब कंपनीज़ पर नज़र बनी रहेगी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आप फोकस में रखिएगा, लेकिन बर्नस्टीन ने 2100 रुपये का लक्ष्य दिया है इन्फोसिस के लिए, सिटी ने 1850 का, 1794 रुपये के आसपास का ये ऑल टाइम हाई है इन्फोसिस का। आज हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि शायद इसको क्रॉस भी कर लेगा, लेकिन चलिए।